दीव के नगवा रोड पर सरकारी डिवाइडर पेंट करने के दौरान एक फोर व्हीलर गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर लिया, जिससे चार मजदूरों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। नमस्कार, मैं आशीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं सिलवासा न्यूज लाइन में। फोर व्हीलर गाड़ी चालक फरार हो गया था, लेकिन दीव पुलिस ने गिनती के मिनटों में ही जेतपुर चालक केसरिया नीतीश जयेश को गिरफ्तार कर लिया और वाहन संख्या GJ03KH5287 आर्टिका के तेज रफ्तार चालक के खिलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। आने वाले दिनों में दीव में सरकारी कार्यक्रम की एक श्रृंखला के तहत मजदूर सड़क पर सरकारी डिवाइडर को काले और पीले रंग से रंग रहे थे। दो घायलों के नाम धीरू भाई पूना भाई राठौर वर्ष 28, भरत भाई बाबू भाई चौहान वर्ष 21, इनको आगे के इलाज के लिए उन्ना अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने दीव में रोजाना हो रहे सड़क हादसों में कई बेगुनाहों की मौत पर भी चिंता जाहिर की है। हादसों पर काबू पाया जा सकता है और कीमती लोगों की जान बचाई जा सकती है। देखिए इस विषय में नीतीश जयेश केसरिया फोर व्हीलर चालक ने क्या कहा। और ऐसे ही आसपास की खबरों को जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिलवासा न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। અમે આવતા હતા, એ ભાઈ વચ્ચે આવ્યા, ખબર નથી, ડિવાઈડર નહોતું ન્યા વચ માં કઈ મારી ભૂલ છે બરોબર, પણ એ લોકો કામ કરતા હતા તો એનું આગળ ઓલું સાઈડ માં બંબુ રાખવું જોઈએ ને, બરા વાળા રોડ ઉપર ચડી ગયો હતો પછી મને નીતેશ જયેશભાઈ કેસરિયા લઈ ગયા છે, સોરી મારી ભૂલ છે, હું જાઉં છું ત્યાં પાછો, હું મારી